ऊपर नीचा कुछ लोगों को लगता है कि चीजें बड़ी है। हम एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं सर, हम किससे लड़ाई करके अपने जीवन को चलाएंगे, सब तो भाई ही हैं। लेकिन झगड़े भी तो नेचुरली है, जहाँ पे प्यार है वहाँ गुस्सा है, नफरत है। कुछ देखिए मेरा, मुझे प्यार तो सबसे है, मेरे अक्षरा जी से भी प्यार है, अमर पाली जी से भी प्यार है, रानी जी से भी प्यार है, काजल जी से भी प्यार है, हमारे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं सबसे मुझे प्यार है। और काजल अद्भुत एक्ट्रेस है, उनके लिए हमेशा प्यार रहेगा। अमरपाली जी अद्भुत एक्ट्रेस है, हमेशा प्यार है। पाखी जी के लिए हमेशा प्यार है, रानी जी के लिए प्यार है। तो हम लड़ाई करके अपने जीवन को नहीं चला सकते हैं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि लिट्टी चोखा आखिरी फिल्म काजल के साथ? कहां हो सकता है कोई बोल दिया होगा मुझे ऐसा नहीं, अगर ऐसा बोला हो तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे मजा मस्त कभी देखिए, मैं मस्ती खोर आदमी हूँ, हम थोड़ा सा है अलग टाइप के, हमारा जी जानते ही हैं कि हम थोड़ा सा है, हो जाता है कभी कभी बोल देते हूँ, जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया मेरे लिए, मैंने उनको कुछ बोल दिया, तो ये सब चीजें हैं। और मैं जनता से यही कहूँगा कि सबको प्यार करिए, आपको हक है, आपको लगता है कि आपका बेटा खेसारी आपको ज्यादा प्यार करता है तो खेसारी को ज्यादा प्यार दीजिए, आपको लगता है कि हाँ वो आपकी चीजों को नहीं समझ पा रहा है तो आप उनको भी मत समझिए, तो जो जैसा करेगा पाएगा, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो। लेकिन हर कलाकार के लिए, हर कलाकार सरस्वती का पुत्र होता है। मेरे लिए ना देवेश काजल के लिए था और ना ही अमरपाली जी के लिए है, ना ही मैं अक्षरा जी के लिए है, ना रानी जी के लिए, सब लोग भोजपुरी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूँ, और सॉरी मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे बढ़ाने में किसी का हाथ नहीं है। अगर किसी का हाथ है तो मेरे जनता स्वरूपी श्रोता का हाथ है, जो हमारे लिए भगवान स्वरूप है। ना मुझे किसी ने बढ़ाया है और ना ही बनाया है, मुझे अगर बनाया है तो कहीं ना कहीं जनता ने बनाया है और मैं उन्हीं के भरोसे चलता हूँ। उसके बाद कौन क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा। मतलब इस बात, ये तो बात क्लियर ही है।